वेलकम टू अलका लर्निंग होम। आज हम देखेंगे जीके रिलेटेड टॉपिक टू ओवर हियर। जीके में हम बच्चों को बॉडी पार्ट, कलर्स, एनिमल्स, बर्ड, अबाउट योर कंट्री एंड स्टेट्स के बारे में पढ़ाते हैं। सबसे बेस्ट तरीका है बच्चों को अगर जब भी हम जीके की प्रैक्टिस कराते हैं थ्रू क्वेश्चन आंसर कराना चाहिए। ऐसे करने से क्या होता है ना, बच्चे की वोकैबुलरी जो है वो डेवलप करेगा, वो कन्वर्सेशन डेवलप करेगा और वो इंग्लिश में बोलने के लिए ट्राई करेगा। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम बेसिक क्वेश्चन जो कि आपके बच्चे के लिए हेल्पफुल होगा। ये क्वेश्चन जो है वो नर्सरी से यूकेजी तक के क्लास के बच्चे के लिए अप्रोप्रिएट है। सो अगर आपके बच्चे को आप एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल होगा। मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में जीके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, एनिमल, बर्ड्स, जितने भी जीके रिलेटेड क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन डिस्कशन करने वाली हूँ। ये जो क्वेश्चन है इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, अगर आप चाहो तो इसको प्रैक्टिस करा सकते हैं। और एक बात मैंने हमेशा नोटिस किया है कि जब भी हम बच्चों को कुछ क्वेश्चन पूछते हैं अबाउट सेल्फ इंट्रोडक्शन हो या कुछ जीके हो तो बच्चे क्या करते हैं, हमेशा सिंगल वर्ड में आंसर देते हैं या शॉर्टकट में देते हैं। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, तो ओनली नेम ही बोलते हैं। तो ये बात ध्यान देना ज़रूरी है और बच्चों को ये बोलना है कि हमेशा बच्चा जो है फुल सेंटेंस में बोले, ताकि बच्चों को बोलने का जो स्किल है वो डेवलप करे और फुल सेंटेंस में वो बोलना सीखे। बच्चों का सेल्फ इंट्रोडक्शन जो है वो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ इंट्रोडक्शन में बहुत सारे क्वेश्चन आता है जो बच्चों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाई हूँ, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ योर नेम, माय नेम इज़ सो एंड सो। व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, माय फादर्स नेम इज़ सो एंड सो। व्हाट इज़ योर मदर्स नेम, माय मदर्स नेम इज़ सो एंड सो। हाउ ओल्ड आर यू, आई एम 5 या 4 या 3 years old आप बोल सकते हो। आर यू ए बॉय और गर्ल, आई एम ए बॉय और गर्ल, अब जो हो आप बोल सकते हो। देन व्हिच क्लास डू यू रीड, आई रीड इन क्लास नर्सरी, LKG, UKG, जो भी है आप बोल सकते हो। देन क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर स्कूल, द नेम ऑफ माय स्कूल नेम इज़ सो एंड सो। क्वेश्चन नंबर 8, वेयर यू लिव इन, आई लिव इन, आप जहाँ रहते हो वहाँ प्लेस का नाम बोलना है। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मैनी मेम्बर्स आर देयर इन योर फैमिली, देयर आर 2, 3, 4, 5, आपके जितने मेम्बर्स हैं आप बोल सकते हो। देयर आर डैश मेम्बर्स इन माई फैमिली। हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, आपका बेस्ट फ्रेंड का नाम बोलना है, इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। हाउ मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू यू हैव, आई हैव डैश ब्रदर्स एंड डैश सिस्टर्स। ऑन व्हिच डे योर बर्थडे कम्स, माई बर्थडे कम्स ऑन, मेंशन करना है यहाँ पर आपके डे बर्थडे का नाम, वो जो डेट का नाम मेंशन करना है और मंथ का नाम मेंशन करना है। देन व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड, माई फेवरेट फूड इज सो एंड सो। व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, माई फेवरेट कलर इज सो एंड सो, ब्लू, ग्रीन, पिंक, वाइट, जो है आप बोल सकते हो। व्हाट इज़ योर फेवरेट फ्रूट, माई फेवरेट फ्रूट इज़, आपका जो फेवरेट फ्रूट है आप बोल सकते हो, जैसे कि बनाना, एप्पल, पाइनएप्पल, मैंगो, जो भी है आप बोल सकते हो। व्हाट इज़ योर फेवरेट फ्लावर, माई फेवरेट फ्लावर इज़ रोज, लिली, लोटस, आपका फेवरेट के नाम यहाँ आप मेंशन कर सकते हो। वो गए कुछ सेल्फ इंट्रोडक्शन था यहाँ पर, जैसे कि कुछ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर कंट्री, कंट्री रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है जो बच्चों को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर कंट्री, द नेम ऑफ माय कंट्री इज़ इंडिया। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ योर कंट्री, द कैपिटल ऑफ माय कंट्री इज़ न्यू दिल्ली। यहाँ ये ध्यान देना चाहिए कि बच्चे को फुल सेंटेंस बोलना है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर स्टेट, द नेम ऑफ माई स्टेट इज सो एंड सो। हाउ मैनी स्टेट्स आर देयर इन योर कंट्री, देयर आर 28 स्टेट्स इन माई कंट्री। व्हिच इज़ द बिगेस्ट स्टेट ऑफ योर कंट्री, द बिगेस्ट स्टेट ऑफ माई कंट्री इज राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ योर कंट्री,
द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ माई कंट्री इज गोवा. नेक्स्ट, हु इज द करेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. द नेम ऑफ द करेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज मिस्टर नरेंद्र दामोदर मोदी. हु इज द करेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ योर स्टेट. द नेम ऑफ द करेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ माई स्टेट इज सो एंड सो. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया. यहाँ कुछ नेशनल थिंग के ऊपर मैंने ये क्वेश्चन बनाई हूँ. देन व्हाट इज द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया. द नेम ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज त्रिरंगा और ट्राइकलर. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया एंड व्हाट आर दे. देयर आर थ्री कलर्स ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया. दे आर सैफरन, वाइट एंड ग्रीन. व्हाट इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया. द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया इज टाइगर. व्हाट इज द नेशनल वर्ड ऑफ इंडिया. द नेशनल वर्ड ऑफ इंडिया इज पीकॉक. व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया. द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया इज लोटस. व्हाट इज द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया. द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया इज मैंगो. व्हाट इज द नेशनल वेजिटेबल ऑफ इंडिया. द नेशनल वेजिटेबल ऑफ इंडिया इज पम्पकिन. व्हाट इज द नेशनल फूड ऑफ इंडिया. द नेशनल फूड ऑफ इंडिया इज खिचड़ी. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया. द नेशनल गेम ऑफ इंडिया इज हॉकी. व्हाट इज द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया. द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया इज इंडियन बनियन ट्री. व्हाट इज द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया. द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया इज द गंगा. व्हाट इज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया. द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया इज जन गण मन. व्हाट इज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया. द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया इज वंदे मातरम. व्हाट इज द नेशनल करेंसी ऑफ इंडिया. द नेशनल करेंसी ऑफ इंडिया इज इंडियन रूपी. व्हाट इज द नेशनल एम्ब्लेम ऑफ इंडिया. द नेशनल एम्ब्लेम ऑफ इंडिया इज स्टेट एम्ब्लेम ऑफ इंडिया. व्हाट इज द नेशनल हेरिटेज ऑफ इंडिया. द नेशनल हेरिटेज ऑफ इंडिया इज द एलिफेंट. यहाँ पर जो है नेशनल के थिंग्स के ऊपर है कुछ बेसिक क्वेश्चन है, यहाँ मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया. ये बच्चों को प्रैक्टिस कराना है और ये जो क्वेश्चन है बच्चों को कुछ कुछ क्वेश्चन उसका रूटीन वाइज वीक में 2 डेज या 3 डेज प्रैक्टिस कराना है. मैं मेरा नेक्स्ट वीडियो में और जो क्वेश्चंस आता है जीके रिलेटेड, जैसे कि बर्ड्स, एनिमल्स, हर थिंग के जो जीके है मैं डिस्कशन करने वाली हूँ. आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू. अगर आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें. अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें. हैव ए गुड डे. बाय बाय. टेक केयर.